तो दोस्तों यह दृश्य कुशीनगर में हाटा का है और यहाँ पर यह पिपराइच से हाटा रोड जो आके मिला हुआ है वहीं पर यह यहाँ की पुलिस है हाटा की। अब सोचिए यहाँ पर लोगों की गाड़ी जांच कर रहे हैं, देखिए आप लोग जिस सुरक्षा कर्मी से हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए वही पुलिस वाले आज लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा अधिकार है कि हम जान सकते हैं आपके पास जांच का आदेश है कि नहीं है। आप लोग जो डर रहे हैं उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं सब। कहे इनका जांच नहीं करेंगे, इनका जांच नहीं होगा है? सब गाड़ी रोको, यह गाड़ी जांच हो रही है, सब लोग गाड़ी रोके, यहाँ पे गाड़ी जांच हो रही है। यही काम है, आदमी को डरा के किसी भी तरह से अपना जेब गर्म करना है, ये हो रहा है। देखते जाइए, ये है यहाँ की पुलिस, ये है योगी सरकार। कहाँ है योगी जी? ये कर रहे हैं आज यही सुरक्षा कर्मी जो हमारे लिए लगाए गए हैं। इसी तरह से बारी बारी से आप लोग परेशान होते रह जाएंगे। ये है आपका नाम क्या है? देखिए इधर मुड़िए, दम है, खिलवाड़ बना लिया है आप लोग, दिखाइए नाम। हम आपका नाम दिखना चाहते हैं, सुनिए बता तो रहे हैं, हमारा नाम दिखाइए, नाम दिखाइए फटाफट। ये काम है, ये है एसआई है, इनका नाम नहीं दिखा रहे हैं अपना। ये समझने वाली बात है कि जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं उसी सरकार से बनाई हुई यह वर्दी, आज वही नहीं लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वही लोग परेशान है जो मिलकर सरकार चुनते हैं। इनकी तनख्वाह भी कहीं और से नहीं आती है, हम सब के जेब से जाती है। ये सब हमारे नौकर हैं, ये सब हमारे नौकर हैं, कोई साहब नहीं है। जब तक आप लोग जागेंगे नहीं तब तक ये इसी तरह से लोगों को परेशान करते रहेंगे, डर धरा के अपना जेब गर्म करते रहेंगे। कहाँ है योगी सरकार, हम देखना चाहते हैं। मूर्ख मत बनिए, होशियार बनिए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने नौकर को पहचानेंगे नहीं, अपने नौकर को नौकर का दर्जा नहीं देंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। यही काम है इन लोगों का। कहाँ है पुलिस वाले, थाना अध्यक्ष हम भी देखना चाहते हैं, कौन थाना अध्यक्ष है हाटा का? ये काम हो गया है बस लोगों को किसी तरह से परेशान करना है, कुछ जेब में आना चाहिए। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जिंदगी भर इसी तरह से हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। हम कोई अधिकारी नहीं है भाई, लेकिन इस बात को समझिए, इनके पास वो दम नहीं है, पब्लिक में सबसे बड़ी ताकत है। और यह पब्लिक मात्र इसीलिए कमजोर है क्योंकि इनका कोई आगे बढ़ाने वाला, दो बात बोलने वाला नहीं है, इसीलिए कमजोर है पब्लिक। हम भी देखना चाहते हैं कि हाटा का थाना अध्यक्ष कौन है। अरे साहब होंगे, हमारे नहीं होंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हम पहले यहाँ से ही लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारी पहली आदत है। ये देखिए, यह है पुलिस, आप लोग देखते रहिए, यह हाटा की पुलिस है। हाटा के जितने भी लोग हैं यह बात जान जाइए, इस बात को समझिए, ये है पुलिस, ये काम है इनका, धंधा बना लिए हैं सब, जो चाहे वो कीजिए। शर्म नहीं आती है कि इनका तनख्वाह आता कहाँ से है,
इसी पब्लिक से तनख्वाह आ जाता है और इसी पब्लिक को यही करना है, छोड़ेंगे नहीं। जहां भी पा जाएंगे किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो दोस्तों अभी भी समय है, हमको मजबूत बनाइए। आज यह चुनाव मात्र इसीलिए लड़ रहे हैं कि आपके लिए कोई भी नेता खड़ा होकर आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारा साथ दीजिए, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, PNS आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। और भैया हम कोई शिकायत है बोलिए। आपके कहने का वो हम आम नागरिक हैं। साहब जी कहाँ था? हाँ भाई आपका नाम क्या है भैया आप बता दीजिए। यह आपका पर्सनल चौराहा है? नहीं आपसे नहीं शिकायत है तो हम आपको कहाँ कहने जा रहे हैं? हमसे शिकायत है, आपको क्या दिक्कत है? तो कहे अकेले उंगली उठा रहे हैं, आप क्या हैं बताइए? बताइए विधानसभा। हाँ बोलिए। विधायक पद के प्रत्याशी विधायक हो? हाँ। कितना लाख बात अलग कितना भरने वाला डिपोजिट तो ले लीजिए उनसे आप कई लाख नहीं तो फिर क्या कहने का मतलब है? आपके कहने का क्या मतलब है? फिर वही बात, ये देखिए समझिएगा, इसी तरह से कुछ लोग हैं। देखिए देखिए ये यहाँ की पुलिस देखिए घूम के आई है और ये भाई साहब हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इनका नाम क्या नाम बताएं आपका? कितना पिए हो? जिंदगी में पहले सोच के समझ के बोलिएगा। पहली बात कि आपको लग रहा है कि हम पिए हुए हैं, आपको लग रहा है ना, तो पहले पता कर लीजिए हमारे बारे में। क्वालिफिकेशन है या पीने की बात बोले हैं? पीने की बात ऐसा है आपने कदम तो ये देखिए यहाँ फिर से यहाँ पर फिर से ये भाई साहब। अरे आप मारिए ना हमको, मारिए ना। ये देखिए इसी तरह से साहब बना के हम नौकर बना रहे हैं और ये साहब बना रहे हैं। ये बताइए ये काम है इनका, शर्म नहीं आती? बताइए हम क्या बात करेंगे उनके? हम जहाँ नौकर बना रहे हैं उसको साहब बता के बात कर रहे हैं। ठीक है अपना काम करें। देखिए भैया जागिए आप लोग, पागल बन गए, पागल पागल हमको यही सब बना दिए हैं साले। ऐसा नहीं है कि हम भी कोई, हम भी अच्छे खासे पेंटर थे, आर्ट पेंटर भाई। ऐसा शरीर पे गुजरा है ना कि हमारे अंदर एकदम खून खोलता है इनको देख के साथ। तो समझिए बात को, हम कोई भगवान नहीं है भाई, लेकिन जब तक आप लोग नहीं जागेंगे ना तो ये परेशानी सबके ऊपर आएगी। आज हम अगर स्वार्थी होते तो चुपचाप चले गए होते, लेकिन क्यों रुक गए हैं? क्योंकि इसी मुद्दे पर हम चुनाव ही लड़ रहे हैं भाई। हाँ अगर हमको मजबूत बनाना है तो हमारे चैनल PNS आवाज यूट्यूब में चलाते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। हमें मजबूत बनाना है क्योंकि आज की सबसे बड़ी कमी अगर कहीं है तो मीडिया में है। इतना सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा नहीं है मीडिया नहीं होगी, मीडिया भी होंगे लेकिन वो खबर नहीं दिखाएंगे, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय। हमारी बात अगर गलत हो तो बताइएगा। अगर मीडिया आज पब्लिक के लिए आवाज उठाना चालू कर देना तो यह पुलिस वाले यहाँ पर नहीं नजर आएंगे, कहीं भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो मीडिया भी है वो भी इनके साथ मिली हुई है। तो दोस्तों अभी आप लोग देखे यहाँ पर हाटा की जो पुलिस थी गाड़ी जांच कर रही थे, धीरे से यहाँ से अब चले गए हैं सब। तो कोशिश कीजिए हमारे चैनल PNS आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और अपने लिए एक मजबूत मीडिया भी बनाइए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।